सीटों का बंटवारा हो जाएगा, समाजवादी पार्टी उनके न्याय तर्क में शामिल होगी। ये सब कुछ ठीक होगा। यूपी की सियासत इन दिनों गर्माती नजर आ रही है, जहां एक तरफ अखिलेश यादव ने दूसरी लिस्ट जारी कर कांग्रेस को अल्टीमेटम दे दिया और वहीं समाजवादी पार्टी द्वारा अब कांग्रेस को ऑफर देने की बात सामने आ रही है। मतलब यूपी में गठबंधन की तस्वीर धुंधली धुंधली सी नजर आ रही है। ये साफ ही नहीं हो पा रहा है कि यूपी में इंडिया गठबंधन बीजेपी का मुकाबला करेगा या फिर गठबंधन के साथ अलग अलग रास्ता तय करेंगे। दरअसल अखिलेश ने एक ही दिन में बैक टू बैक तीन एजेंडे कांग्रेस के सामने रखे। हम आपको सिलसिलेवार से समझाते हैं। सोमवार को अखिलेश ने सुबह सुबह अपने पहले एजेंडे में साफ किया कि अगर कांग्रेस सीट फाइनल कर ले फिर उसके बाद अखिलेश राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होंगे। अभी बातचीत चल रही है, कई दौर में बातचीत हो चुकी है, कई सूचियां उधर से आई, सूची इधर से भी गई। जिस समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा, समाजवादी पार्टी उनके न्याय तर्क में शामिल हो जाएगी। दिन के कुछ ही घंटे बीते थे कि सपा ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर कांग्रेस को झटका दे दिया, जिसमें सपा ने 11 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। कुल मिलाकर यूपी में अब तक 27 उम्मीदवारों के नाम का सपा ने ऐलान किया, जिसमें ऐसी भी कुछ सीटें थी जिस पर कांग्रेस दावा ठोक रही थी। लेकिन सूत्रों से खबर है कि रात का धुंधलका छाते ही अखिलेश ने कांग्रेस के सामने 17 सीटें ऑफर दे दिया। वहीं जानकारी के मुताबिक कांग्रेस 20 सीटों की मांग कर रही है, जबकि कांग्रेस आलाकमान का कहना है कि सब ठीक होगा। अखिलेश जी जल्दी बांध जाएंगे सर, सब कुछ ये सब कुछ ठीक होगा, सब सब उन्होंने मान लिए, हम भी लोग आने हैं, सब लोग ठीक है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। मतलब अखिलेश ने एक ही दिन में तीन एजेंडे सामने रख बैक टू बैक फायर किए। कांग्रेस एक एजेंडे पर जैसे ही अध्ययन शुरू कर दी कि अखिलेश की तरफ से दूसरा फिर तीसरा एजेंडा रख दिया जाता है। भले ही कांग्रेस अध्यक्ष सब ठीक होने की बात कर रहे हो, पर तस्वीर धुंधली सी ही नजर आ रही है। अब ये तस्वीर कब साफ होगी, सभी को इसका इंतजार है।